हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने काफी सिक्वेंशियली अलग अलग वीडियोस में देखा है। पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो कि किस तरह से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एंथर होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पूरा हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, पिस्टल कार्पल के बारे में, गाइनोशियम, ओके। उसके बाद हमने ओव्यूल यानी कि मेगा स्पोरेंजिया के बारे में, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, उसके बाद एग कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर एग कैसे बनता है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज ये पढ़ी थी कि किस तरह से पोलन ट्रेवल करके स्टिग्मा तक यानी कि फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अलग अलग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हमने बात की। अब हम जो बात करेंगे वो हम देखेंगे कि एक बार अगर जो पोलन है वो पोलन स्टिग्मा तक पहुंच गया फिर क्या होगा। तो ये आपकी क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा का मैं ऊपर वाला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। अभी पूरे के बारे में बात नहीं करेंगे, ये स्टिग्मा के पास पहुंच गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए मेरे पास। तो ये अपनी क्या है, एक पूरा कार्पेल ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। पूरा कार्पेल यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट एंड स्टाउट स्ट्रक्चर है बट इट्स ओके, ठीक है। और इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल, ये ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बना रहा हूँ। और इसके अंदर क्या है, पूरा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, ओके। एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर, ये पूरा ओव्यूल है। अब क्या होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप है जिसमें एंटीपोडल सेल्स होंगी, नीचे की तरफ इसमें क्या होगी, आपकी एग सेल होगी और एग सेल के साथ दो सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक हो जाती है जिसमें सेंटर में दो सेकेंडरी न्यूक्लियाई रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर क्या है, आपकी स्टिग्मा है, स्टिग्मा। अब हमने बात की थी कि पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर, पोलन ग्रेन्स एंथर से निकले, ठीक है, रिलीज हुए और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब यहाँ पे आप समझ लो, सबसे पहला पॉइंट कि जो पॉलिनेशन होता है ना अपना, पॉलिनेशन, ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन की जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर पॉलिनेशन हो गया तो फिर मेल गैमेट ट्रांसफर होगा ही होगा, ठीक है। पॉलिनेशन से हमको ये पता नहीं चलता कि भाई सही टाइप का पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि विंड के थ्रू आ रहा है या वाटर के थ्रू आ रहा है पोलन, या फिर किसी एनिमल के थ्रू आ रहा है, तो इस स्टिग्मा पर कौन कौन से पोलन आ सकते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हो सकता है मान के चलो इसके ऊपर किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन आ जाए, ये मैं किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन बना देता हूँ, किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी प्लांट का खुद का पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम, ये कैसा है, इस मान के चलो इसी का खुद का ही पोलन ग्रेन आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है इसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या है, अनदर स्पीशीज है, दूसरी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, ये खुद ही प्लांट का पोलन ग्रेन आ गया, सेल्फ पोलन आ गया, है ना, ये अदर प्लांट में से आया है, दूसरे प्लांट से आया है, ठीक है, अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आ। अब देखो हम इसको समझते हैं कि यहां से आगे जो पूरा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है ना गाइस, वो एक अरेंज मैरिज की तरह है, इसकी तरह अरेंज मैरिज की तरह। तो ये जो पूरा पिस्टल है ना, ये पिस्टल है पूरा कार्पेल की स्ट्रक्चर, ये पूरा लड़की का खानदान है, ठीक है। ये सारे कौन से है, फीमेल साइड वाले हैं सबके सब, दुल्हन की साइड वाले हैं सबके सब, इसमें इनका पूरा परिवार है, स्टिग्मा है, ठीक है, जो रिसीव करता है इसका मामा है मान के चलो। उसके बाद स्टाइल है ना, स्टाइल क्या है मान के चलो, स्टाइल इसकी बुआ है ना, बुआ होती है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। उसके बाद अंदर यहाँ पर लास्ट में लड़की कौन है, अपनी एग सेल है, एकदम यहाँ तक एग सेल, उससे बाहर इसके पूरे परिवार वाले हैं। अब और लड़के वाले कौन है, एंथर लड़के का खानदान है, फिर उस सारे का सारा लड़के का खानदान तो लड़की देखने आता नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट लोग यानी कि पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन,
इम्पोर्टेंट लोगों का जो पूरा ग्रुप है उसको हम पोलन ग्रेन बोल रहे हैं। इसमें दो लोग आ सकते हैं, ठीक है, दो लोग आ सकते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, या फिर इसमें दो तीन लोग भी आ सकते हैं, एक वेजिटेटिव और दो जनरेटिव, दो मेल गैमेट, दो लोग या तीन लोग का ग्रुप ये लड़की देखने आता है। अब आ गया भाई, ठीक है, ये पहुंच गया। इनको रिसीव करता है कौन? सिग्मा इनको रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन अब रिश्ता होगा कि नहीं, बात आगे बढ़ेगी कि नहीं, यहाँ पर कितने भी लोग आ सकते हैं ना देखने, शादी तो लेकिन एक से ही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कितने ही लोग देखने के लिए आ सकते हैं। तो ये पोलन ग्रेन आया है ना, तो ये शुरुआत में क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आता है, फिर भाई लोग जब आते हैं मिलते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, बातें करते हैं, यानी कि डायलॉग होता है उनके बीच, डायलॉग करते हैं। इसी तरह से पोलन और पिस्टल के बीच में भी डायलॉग होता है, लेकिन कौन सा डायलॉग होता है, अब इनके पास मुंह या लैंग्वेज तो है नहीं, प्लांट है, तो इनके अंदर होता है केमिकल डायलॉग, यानी कि कुछ केमिकल पिस्टल सीक्रेट करता है, कुछ केमिकल पोलन सीक्रेट करता है। अगर इन दोनों की बातें आपस में मैच हो जाती हैं, एक दूसरे को पसंद आती हैं, कंपेटिबल बातें होती हैं, तो इस तरह से बातें करके सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं कि भाई आने वाला लड़के का खानदान हमारे लायक है कि नहीं है, ठीक है, वो उनकी सोच किस तरह की है, दहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? कंपेटिबिलिटी, ठीक है, कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है। कैसे? केमिकल डायलॉग से। कुछ केमिकल्स पोलन सीक्रेट करता है, कुछ पिस्टल सीक्रेट करता है, तो आपस में क्या होता है, कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है। तो इस कंपेटिबिलिटी के बाद में ही डिसाइड होता है कि भाई किसको आगे बढ़ना है, किससे रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, किससे नहीं बढ़ेगी। जैसे ये अदर स्पीशीज का है, तो अदर स्पीशीज वाले के साथ, ये तो दूसरी जात का आगे, मान के चलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर ये इनको समझ में नहीं आया, इनका केमिकल डायलॉग आपस में जमता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये पूरा अलग बैकग्राउंड से, अलग कल्चर से, तो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, उसके बाद ये करते हैं, नहीं भाई यहाँ रिश्ता नहीं हो पाएगा, यानी कि इस पोलन का क्या हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। तो ये वाली लड़के की फैमिली तो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब अपने ही खानदान से आया भाई, मान के चलो अभी कई जगह कंसेंजीनियस मैरिजेस होती हैं, और ये मॉडर्न ख्यालात वाले लोग हैं कि नहीं भाई कंसेंजीनियस मैरिज नहीं करनी है, यानी कि सेल्फ के लिए अगर इनकम्पेटिबिलिटी है, अगर इस प्लांट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात की थी ना हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, तो इस पोलन को भी ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लड़की की फैमिली है वो इसको भी रिजेक्ट कर देगी, अदर स्पीशीज का तो रिजेक्ट हो ही गया, ये मान के चलो दूसरे प्लांट से सेम स्पीशीज का पोलन आया, ठीक है। तो इस तरह से पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या हो सकता है, आइदर उसका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होता है। अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच के केमिकल डायलॉग अगर अप्रूव हो जाते हैं, उनको पसंद आता है, तो फिर क्या होता है, ये जो पोलन है, ये पोलन क्या करता है, फिर पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आगे आना शुरू करता है। अब इन्होंने क्या किया, बातें फाइनल हो गई, अब आप बारात लेकर के आ सकते हो। तो ये पूरी अपनी बारात पोलन ट्यूब में लेकर के आना स्टार्ट कर देते हैं, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, पोलन ट्यूब बारात लेकर के आएगी, ठीक है। लेकिन तुरंत ऐसे तो हो ही नहीं जाता, बीच में बहुत सारी बातें चलती। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये भी कैसे अंदर आएगी, इसको रास्ता कैसे मिलेगा, भाई रास्ता कौन बताता है, बारात वाले तो ज्यादातर सब लोग नए होते हैं, इसलिए कौन होता है, ज्यादातर दुल्हन का भाई होता है, ऐसे लोग होते हैं वो आगे जाते हैं, वो अपना कोई भाई के दोस्त होते हैं, वो आगे जाते हैं, वो बारात वालों को अपना रास्ता बताते हैं। तो इसी तरह से दुल्हन के भाई कौन है, यहाँ पे पास में सिनर्जिस, ठीक है, ये सिनर्जी रास्ता बताएंगी, और बारात इनको फॉलो करते करते, इनके केमिकल सिग्नल को फॉलो करते करते घर तक, यानी कि दुल्हन तक पहुंच सकती है। इतनी बात समझ में आई सबको, इस वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इसमें, यहाँ से आगे एक बार अगर सिलेक्शन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, उसके बाद पोलन ग्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको हम लोग समझते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़, तो इन चेंजेस को हम एक एक करके समझते हैं। देखो इन चेंजेस में क्या होगा, जैसे ये अब पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को मैं डिटेल में बता देता हूँ। लड़की का परिवार है कि अपने हिसाब से बारात की तैयारी करेगा, कैसे तैयारी करेगा, देखो बारात जब आती है तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं लोग, ठीक है, अपना पूरा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और पोलन ग्रेन के पास क्या है, इस तरह से एग्जाइन है, ठीक है, एग्जाइन होती है, और उसके अंदर कितने, तीन जर्म पोर्स होते हैं, एक जर्म पोर मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये दूसरा जर्म पोर और ये तीसरा जर्म, ठीक है।
अब क्या होता है, ये अपनी तैयारियां करना शुरू करते हैं। तैयारी करने में क्या होगा, जर्म पोर से सारा जो मटेरियल है पोलन ग्रेन का वो किस में आ जाता है, पोलन ट्यूब में आ जाता है। यानी कि अब मैं थोड़े से अगर आपको बताऊं इस तरह से, तो शुरुआत में क्या थी, इसके अंदर ये पूरी वेजिटेटिव सेल है और उसके अंदर एक जनरेटिव सेल भी होती है, जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, जनरेटिव सेल होती है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन इसी तरह से डबल सेल स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट क्या होगा कि गाइस, जहां से जर्म पोर प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैं बना देता हूं, जैसे ये बाहर की इसकी सेल हो गई, है ना, जर्म पोर प्रेजेंट है। अब जर्म पोर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं जर्म पोर बना देता हूं यहां पर, ठीक है, एक जर्म पोर तो ये हो गया, दूसरा ये जर्म पोर हो गया, और तीसरा ये जर्म पोर। ओके, तो किसी एक जर्म पोर से क्या होगा वो आप लोग यहाँ पे समझो, एक जर्म पोर ये और एक तीसरा वाला जर्म पोर ये, ठीक है। किसी एक जर्म पोर से, किसी एक जर्म पोर से जो अंदर का पूरा मटेरियल है ना, ये यानी कि अंदर वाली सेल अपनी, ये वाली सेल, ये जर्म पोर से ये वाली सेल क्या होती है, बाहर निकलना शुरू करती है, आउटग्रोथ करना शुरू करती है, आउटग्रोथ करना शुरू करती है। तो इसके अंदर का जो पूरा साइटोप्लाज्म वगैरह है वो बाहर निकल के इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब किसके अंदर ग्रो करती है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है आपके पहले स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर, ऐसे ग्रो करती रहती है स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर, ये बढ़ती जाती है। अब भैया जनरेटिव सेल का क्या होगा, तो जनरेटिव सेल पहले तो अकेली थी, अब ये जनरेटिव सेल भी क्या करती है, पोलन ट्यूब के एंड पर आ जाती है और माइटोसिस से डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बना देती है। एक मिनट, ठीक है, क्या बना देती है, दो मेल गैमेट्स बना देती है। किससे बने हैं ये, जनरेटिव सेल से। कुछ 40% एंजियोस्पर्म में ये डिवीजन पहले ही हो जाता है, तो फिर ये दोनों न्यूक्लियस, दोनों जो मेल गैमेट है वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन लगभग सेम होगी, सिर्फ क्या होता है, शेडिंग के टाइम पे डिफरेंस होता है। और ये जो पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, वेजिटेटिव सेल से बनी है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो पहले वेजिटेटिव सेल थी, कौन सी सेल थी, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, अब इसको हम बोल देते हैं ट्यूब सेल। क्या बोलेंगे इसको, अब हम ट्यूब सेल बोलेंगे। ये सबसे आगे कौन होता है, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसको हम ट्यूब सेल न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस इसको हम बोल सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और साथ में क्या होते हैं इसमें, दोनों दूल्हा और दूल्हे का भाई यानी कि मेल गैमेट्स होते हैं, दो दूल्हे आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये लोग ऐसा शाने समझते हैं कि चलो दुल्हन तो ठीक है, ठीक लगा तो इसकी दूसरी जगह पे भी शादी, दूसरे की भी शादी भी कर देंगे। थ्री सेल कंडीशन कब आती है बेटा, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल स्टेज पहले ही हो जाती है, शेडिंग से पहले। 60% में ये जर्मिनेशन के बाद आती है, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद थ्री सेल स्टेज आती है। तो यही थ्री सेल स्टेज है ना, एक सेल ये मेल गैमेट, दूसरा ये और तीसरा पूरी ट्यूब सेल, तो तीन सेल हो गए ये थ्री सेल, ठीक है। अब क्या होता है, ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसी का सारा मटेरियल कहाँ पहुंच जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। तो बेसिकली जो आपकी वेजिटेटिव सेल थी वही ट्यूब सेल बनाती है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो यहाँ से आगे निकलता है, ठीक है, यहाँ से जो आगे निकल रहा है ये कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक, ये पहुंचते हैं केमिकल डायलॉग से, किसके, केमिकल से। तो जो मूवमेंट है पोलन ट्यूब की, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, कीमोट्रॉपिक। पोलन ट्यूब यहाँ तक तो बन गई, ये आगे तक कैसे पहुंचेगी, ये यहाँ तक, इसको कहाँ तक पहुंचना है, एकदम एम्ब्रियो सेट तक पहुंचना है, एम्ब्रियो सेट तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, पोलन ट्यूब ग्रो होते होते होते, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे मूवमेंट होता है इसका, कीमोट्रॉपिक होता है, यानी कि केमिकल्स को सेंस करके। ये भी बोला गया है कि इसमें हेल्प करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, कौन हेल्प करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस इसमें हेल्प, सिनर्जिड के अंदर प्रेजेंट फिलीफॉर्म ऑपरेटर सिग्नल सीक्रेट करता है दुल्हन का भाई, और उसी को फॉलो करते करते बारात कहां तक पहुंच जाती है, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। बात समझ में आई। अब एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए इस ट्यूब को ओव्यूल को पार करना पड़ेगा, है ना, अब समझ लो ओव्यूल को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से समझते हैं, बारात घर के अंदर कैसे जाएगी उसको आप समझ लो, ठीक है। ट्यूब सेल न्यूक्लियस कुछ नहीं है बेटा, यही जो न्यूक्लियस है ना, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यही
जैसे पूरा साइटोप्लाज्म बाहर निकल रहा है, आउटग्रोथ हो रही है इसमें से बाहर निकल गया जर्म पोर में से, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता गया तो वो जर्म पोर से होकर के बाहर निकलता है, लेकिन साथ साथ में सबसे आगे उसका न्यूक्लियस भी निकल जाता है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वही आगे क्या बन जाता है, ट्यूब सेल न्यूक्लियस, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं मेल गैमेट्स। तो ओव्यूल्स को अगर देखें, अब इसको क्या करना है, ओव्यूल के अंदर एंटर करना है, तो ये मान के चलो आपका क्या है, ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल में बना देता हूँ। बाहर इसके इंटेग्यूमेंट है, ये अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक है, और इंटेग्यूमेंट ये हाइलम वगैरह है। अब बारात के तीन रास्ते होते हैं, अंदर जाना है पूरी पोलन ट्यूब को, ये मैं पोलन ट्यूब बना देता हूँ, जैसे येलो कलर की आ रही है तो येलो कलर की पोलन। अब एक तो क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर देखो पोलन ट्यूब फॉलो करते करते आ रही है, करते आ रही है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से होकर के जाती है। पोलन ट्यूब कहां से होकर के जाती है, माइक्रोपाइलर एंड, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। तो पोलन ट्यूब किससे होकर के जा रही है, एम्ब्रियो सैक के पास, माइक्रोपाइल एंड से, यानी कि घर के मेन डोर से होकर के जा रही है। तो इस तरह से जब पोलन ट्यूब जाती है तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, क्योंकि पोर से होके जा रही है इसलिए पोरोगैमी। तो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, पोरोगैमी होती है, यानी कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से होकर के जाती है। दूसरा आप समझ लो कि एक तो पोलन ट्यूब ऐसे जा रही है, दूसरा क्या हो सकता है कि पोलन ट्यूब कभी कभी चेलेजा में होकर के जाती है। कहाँ पे होके जाती है, चेलेजा में होके जाती है, फिर ये थोड़ा घूमती है एम्ब्रियो सैक के आसपास, और फिर एंटर तो कहाँ करेगी, उसी जगह पे एंटर करेगी, यानी कि सिनर्जिड्स में एंटर करेगी। लेकिन घुस कहाँ से रही है, ओव्यूल के अंदर एंट्री कहाँ से हो रही है, चेलेजा से हो रही है, ठीक है, कहाँ से हो रही है एंट्री, चेलेजा से। तो इस तरह से चेलेजा से जब एंट्री होती है तब इसको हम बोलते हैं चेलेजोगैमी। क्या बोलते हैं, चेलेजोगैमी इसको बोलेंगे। जैसे कि चेलेजोगैमी होती है आपकी कैजुराइना में, ठीक है, किसमें होती है, कैजुराइना में, कैजुराइना में होती है। इसका नाम ही क्या है, कैजुअली करता है, जो आलस करता है, तो पहले सबसे पहले क्या दिखा इसको, चेलेजा, तो चेलेजा कोई देख करके ये अंदर घुस जाता है, इसका नाम ही क्या, कैजुअल काम करता है कैजुराइना, इसलिए इसमें क्या होती है, चेलेजोगैमी होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कई बार ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल तक ना जाकर इंटेग्यूमेंट्स में होकर के एंटर करती है। किसमें होकर एंटर कर रही है, ये इंटेग्यूमेंट्स में होकर के एंटर कर रही है, और फिर घूम जाएगी, और जाएगी कहाँ, वही माइक्रोपाइलर एंड पे। सिर्फ एंट्री कहाँ से कर रही है, इंटेग्यूमेंट से कर रही है, ठीक है, कहाँ से, ये इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट से जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। देखो इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वॉल, है ना, और वॉल किसको पसंद होती है, कुत्तों को पसंद होती है, इसीलिए जैसे कुकुरबिटा, कुकुर को इन संस्कृत में और बिहारी में भोजपुरी में कुकुर बोलते हैं ना, तो कुकुरबिटा, कुकुरबिटा के अंदर पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी, दीवाल से होकर के, यानी कि इंटेग्यूमेंट से होकर के एंटर करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। तो बात समझ में आई सबको, पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो पोरोगैमी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है तो मीजोगैमी कुकुरबिटा, और अगर चेलेजा एंड से एंटर करती है तो चेलेजोगैमी विच इज फाउंड इन कैजुराइना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच जाती है। ये बात आपको यहाँ पर नोटिस जरूर करनी है कि चाहे किसी भी रास्ते से आए, फाइनली कहाँ पे पहुंचेगी, माइक्रोपाइलर एंड पे, चाहे किसी भी रास्ते से आए कहाँ पे पहुंचेगी, माइक्रोपाइलर एंड पर ही पहुंचेगी, क्योंकि वहीं पर क्या है, एग सेल है, वहीं पे क्या है, सिनर्जिड्स है। रास्ता कौन बता रहा था, सिनर्जिड बता रहे थे ना, तो कहाँ पहुंचेगी बारात, सिनर्जिड तक पहुंचेगी। बात समझ में आ गई, तो इस तरह से पोलन पे स्टिल इंटरेक्शन होता है यहाँ तक के पार्ट को। अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये तो इंटरेक्शन हो गया, यहाँ से आगे नेक्स्ट आगे जो चलेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे एंटर होती है उसको फिर हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे एंटर होगी, अंदर जाकर के क्या होगा, यानी कि शादी किस तरह से होगी, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस इज प्रणव शर्मा।